लाठ का मतलब होता है मीनार, लाठ का मतलब क्या होता है, ये अपने बड़ा भीम लाठ बताया ना, वरिक वंश के विष्णुवर्धन ने भीम लाठ का निर्माण करवाया था बड़ा, तो वो भीम लाट है, ईश्वरी सिंह ने बना, इसलिए नाम क्या हो गया, या उसी का एक नाम और क्या है सरगासुर। एक टावर है 7 मंजिल का, कितने मंजिल का है, राजमहल युद्ध जब जीत गया था ना, तो राजमहल युद्ध में जीत की याद में बनाया गया था, जैसे समुद्रगुप्त ने बयाना में जीत की याद के अंदर एक प्रकार से भीमलाट है, समुद्रगुप्त के सामंत ने बनवाई, कुंभा ने जीत की याद में विजय स्तंभ बनवाया, वैसे ही ईश्वरी सिंह ने राजमहल युद्ध में जीत की याद में क्या बनाई थी, देखो यह है जयपुर में एक 7 मंजिला इमारत है, इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग इन जयपुर, यह जयपुर में एक 7 मंजिला इमारत है, इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग इन जयपुर, यह जयपुर में एक 7 मंजिला इमारत है, इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग इन जयपुर, इसका निर्माण राजमहल युद्ध में जीत की याद में करवाया गया था, इट वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री इन बैटल ऑफ राजमहल, इसका निर्माण राजमहल युद्ध में जीत की याद में करवाया गया था, इट वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री इन बैटल ऑफ राजमहल, राजमहल युद्ध में जीत की याद में करवाया गया था, इट वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री इन बैटल ऑफ राजमहल। कोई तो कहते हैं भाई जीत की याद में बनवाया था, कोई कहते हैं जीत वाली याद में तो बनवाया था, पर इसके ठीक सामने ईश्वरी सिंह की गर्लफ्रेंड का घर था, तो उसके वो था कि सामने वाली खिड़की में पेशाक्रम बनवा ली, और वो जो गर्लफ्रेंड थी उसके जो पिताजी थे वो प्रधानमंत्री थे इसके, तो प्रधानमंत्री की बेटी थी। राजमहल वाला युद्ध जब जीत गया तो बाद में पता था कि माधो सिंह दोबारा अटैक करेगा, मराठे दोबारा आएंगे, ईश्वरी सिंह ने अपने प्रधानमंत्री को पूछा, अरे मराठे दोबारे आएंगे, युद्ध की क्या तैयारी है, प्रधानमंत्री ने कहा साहब चिंता मत करो, जयपुर की फौज मेरे जेब में, जयपुर की फौज पूरी मेरे पास पड़ी है, जब भी आप कहोगे अपनी फौज कूच करेगी और मराठों को और माधो सिंह को हरा देगी। थोड़े दिनों बाद पता चला कि भाई मराठे और माधो सिंह आ रहे हैं लड़ने के लिए, पूछा ईश्वरी सिंह ने प्रधानमंत्री जी क्या प्लान आएगा, जयपुर की फौज है वो अपनी क्या है जेब, थोड़े दिन कहा साहब ये दूध क्रॉस कर गए, अरे क्या क्यों चिंता करते हो फौज अपनी, अरे क्या बगरू आ गए पहला टोल है अब तो जयपुर में घुसेंगे, उसने कहा जेब फट गई। तो कहते हैं प्रधानमंत्री के चक्कर में बगरू वाला युद्ध हार गया था, वरना बगरू का युद्ध भी हारता नहीं। अगला राधा लिखो, माधो सिंह, अगला राजा कौन है, माधव, माधव सिंह ने ईश्वरी सिंह को पहले कहा था कि देखो भैया देबारी वाला समझौता तो ये कहता है कि पूरे जयपुर का राजा कौन बनेगा, माधव सिंह, चंद्रकंवर का बेटा बनेगा, चंद्रकंवर का बेटा कौन है माधव, पर कोई बात नहीं पिताजी तुम्हें राजा बना के चले गए, भैया ऐसा करते अपने आधा आधा बांट लेते, आधा भैया तुम रख लो और आधा क्या रख लू मैं, माधव मांगे आधो, माधव मांगे ईश्वर देवना पाव, आधे का भी आधा क्या होता है, एक बेटा चार होता है, माधो मांगे आधो, ईश्वर देवना ईश्वर की मर्जी चले तो पूरे परी दाव, ईश्वर की मर्जी चले तो पूरा दबा ले, ईश्वर तो पाव देने के लिए तैयार भी, मादा तो बापड़ा कितना मांग रहा था, आधे में भी राजी हो जाता, पर ईश्वर सिंह मर गया, मर गया तो माधो सिंह आया, माधो सिंह आगे राजा बन गया, माधो सिंह जैसे राजा बना मराठों का रुपए दे, मैं किस बात के दू, मेरी तरफ से तुम दो युद्ध लड़े, राजमहल बगरू दोनों कंप्लीट है पैसे अपने, उनका ना जो हम ईश्वरी सिंह से मांगते हैं वो दे, तो मर गया ईश्वरी सिंह ऊपर जाके ले आओ, पंचायत ही नहीं, ईश्वरी सिंह जयपुर का राजा था, इस सीट पे बैठा था, इस सीट पे जो भी बैठेगा हमें रुपए देगा, अब इस सीट पे तू बैठा हमें रुपए दे, माधो सिंह फंस गया, माधो सिंह ने अपनी मम्मी से बातचीत की, मम्मी का नाम क्या था, चंद्रकंवर, चंद्रकंवर से पूछा कि मम्मी ये तो मराठे तो इस प्रकार कर रहे, चंद्रकंवर ने जो मराठ दोनों माँ बेटे जो मराठों का सेनापति था उसको बुलाया, उसको बुलाया चंद्रकंवर ने कहा कि तू मेरे धर्म का भाई, उसने कहा है इमोशनल नहीं, बहन है तो 100 रुपए कम दे दे बाकी बढ़ जाए, अरे का 100 ज्यादा ले लेना चिंता मत करो, पर हमें साल भर का टाइम दे दो, अभी अभी हम राजा बने हमें क्या पता खजाने में कितना पड़ा कितना नहीं, टैक्स कितना आया कितना नहीं, अकाल और पड़ा हुआ इस साल, साल भर का टाइम दो हम आपका हिसाब कर देंगे, मराठों का चलो अब तुम बहन ही बन गए तो साल भर का टाइम तुम्हें दे दिया, मराठे यहां से लूट मार करने के लिए चले गए पंजाब, कहां चले गए, साल भर बाद में माधो सिंह ने मैसेज किया मराठों को कि मामा जी, अब मामा जी बन गए ना आप, वो युद्ध हर जाना लेने के लिए आ जाओ,
और सुनना, मैं क्या फंक्शन कर रहा हूँ, राष्ट्रलग का समारोह कर रहा हूँ। बताया था राष्ट्रलग पहले हो जाता, समारोह बाद में करते, फंक्शन कर रहा हूँ। तो आप प्लीज पूरे परिवार सहित फंक्शन में आओगे, फंक्शन में भी भाग ले लेना, साथ में अर्धना लेके चले जाना। मराठों ने कहा काम परिवार यार, तेरी मामी जी तो बेटे महाराष्ट्र, हम तो यहाँ फौज के साथ लूट मार करते कहाँ घूम रहे हैं पंजाब। उसने कोई नहीं, फौज तो है, फौज को लेके जाओ। तो कहते मराठे अपने सैनिक लेके यहाँ पर आए, मराठों का सेनापति। तो जयपुर के इधर वाले गेट पहले ही बंद करवा दिया, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, ये तो पहले बंद करवाए। फिर दिल्ली वाले गेट से उनको घुसाया, मराठे अंदर घुसे, अंदर घुसने के बाद उधर वाले गेट भी बंद किए। कहते 4000 मराठे थे, कूट कूट के मार दिया था सब, एक को भी इसने बाहर नहीं निकलने दिया। कहते 11 मराठे जैसे तैसे करके जयपुर का परकोटा कूद के भागने कोशिश कर रहे थे। इसने जयपुर के हर आदमी को हथियार दे दिए थे, जयपुर में जयपुर वालों का जो सामने उसको कुटो ढंग से, मराठा दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो 11 मराठे परकोटा कूद के और भागने कोशिश कर रहे थे, जयपुर वाले उनको खींच के वापस लाए, कंडा जा रहे थे। हम देते हैं तेरे को 56 भोग यहाँ पे, फंक्शन में भाग लेने के लिए आया है। लिखो 1751 ईस्वी में, इन 1751 एडी, जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया था। ही मैसेकर्ड मराठा इन जयपुर, जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया था। ही मैसेकर्ड मराठा इन जयपुर। जयपुर में क्या करवाया, मराठों का कत्लेआम। मैसेकर्ड मराठा इन जयपुर, जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया था। और मराठों का बदला लेंगे यार, ये क्या तरीका यार, अपने को ऐसे कैसे मार सकते हैं। थोड़े दिन भाई मराठे बदला लेने के लिए आए, टोंक में अपने एक जगह पड़ती है काकोड़, कौन सी जगह, लिखो काकोड़ का युद्ध, बैटल ऑफ काकोड़। किस किस के बीच में हो रहा है, माधो सिंह और मराठों के, कौन सा युद्ध हो रहा है बताओ, टोंक में जगह काकोड़। पर मराठे डरे वैसे आए थे, मराठे जैसे थोड़ा सा शुरुआत में हारने लगे, मराठों को लगा कि यदि हार गए, इस डाकी ने पकड़ लिए तो, मराठों ने चप्पलें हाथ में ली यहां से। लिखो इस युद्ध में भी माधो सिंह जीत गया, माधो सिंह ऑल्सो वन दिस बैटल। इस युद्ध